अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी। तो व्यूवर्स, मैं आपको अपना छोटा भतीजा दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरा छोटा सा भतीजा। गुड हाय कर, गुड हाय कर, हाय। अभी करो गप्पी करो, माफी क्या, माफी क्या। तो व्यूवर्स देखिए, ये है मेरा छोटा सा भतीजा, माशाल्लाह से कितना प्यारा है। ये है इसका पप्पी, जो ये सारा दिन अपने साथ लेके बैठा हुआ होता है। ये देखें, हर वक्त इसका ये पप्पी ना इसी के साथ में होता है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मेरा भाई आया है, तो भाई ने कहा कि बाहर जाना है, तो भाई से पूछिए पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। क्या हाल है, तबीयत सही है, ठीक ठाक हो? जैसे कि मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम यहाँ आओ और हमें घुमाने लेके चलो, मैं बहुत बोर हो गई हूँ घर में, तो फाइनली बस मैं जा रहा हूँ सिस्टर के साथ, तो वहाँ आपसे मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं घूमने, तो देखते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हैं भाई हमें। तो साथ रहिएगा व्लॉग में हमारे साथ जी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा छोटा भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लगता है कि आज बारिश होगी। आज सुबह में मैंने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंज़र हो गया है। आपको मैं मंज़र दिखाने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बादल हो गए हैं और कितना प्यारा मंज़र है, तो बारिश हो जाएगी। अभी ये देखिए नहर में गाय नहा रही है नहर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये है हमारे घर की बाहर वाली नहर, जहाँ पे ये गाय वगैरह नहाती रहती हैं। अभी सूरज भी है, लेकिन जो बादल है ना, तो इस बादलों ने सूरज की गर्मी को कम कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, पता नहीं कहाँ जाएंगे, बस ऐसे ही बोरिंग हो रही थी घर पे, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे हम, तो सोचा कि बाहर निकलते हैं। अब जो समझ में आया, जहाँ पे हम बैठेंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लॉ कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, और ये नहर जा रही है बहुत ज़्यादा। ये ना बड़ी नहर है, दो तीन कॉलोनीज में ये नहर है जाती है, ये नहर दो तीन कॉलोनीज में। फ्रेंड्स देखें, बकरियाँ माशाल्लाह से, आज का मौसम बहुत प्यारा है। बादल भी देखें कितने हो गए हैं, अल्लाह पाक करे कि बारिश हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी मैंने भाई को बोला है मुझे समोसे लेके दे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समोसे लेते हैं और समोसे खाने भी हैं मुझे। ये देखिए मेरा भाई, इसका नाम जुबेर है, हम सबकी जान बचती है इसमें। छोटा भाई है मेरा, मेरे दो भाई हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो यही है मेरा भाई जो गाड़ी वगैरह ड्राइव करता है, हम इसी के साथ बाहर जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, समोसे लूँगी, फिर समोसे खाऊँगी। घर पे बैठ बैठ के ना बंदा बोर हो जाता है, तो दिल करता है कि बाहर घूमा जाए, क्योंकि थोड़ा ना मूड फ्रेश हो जाता है। तो अभी इसी वजह से हम बाहर आते हैं। हेलो, देखिए अभी बहुत ज़्यादा रश हो गया है, ट्रैफिक लगी पड़ी है, रास्ता जैम हो गया है। ये देखिए हमारे शहर का हाल, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है।
के इस रास्ते से आने जाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। देखें, शुक्र है अल्लाह पाक का, आज जल्दी रास्ता खुल गया, वरना आज रास्ता खुलना नहीं था। घंटों घंटे घंटे लग जाते हैं लेकिन रास्ता नहीं खुलता है। तो देखिए अभी ये बाहर का मंजर, ये शाम का मंजर। जी तो व्यूवर्स, अभी रास्ता खुल चुका है और अभी हम जा रहे हैं समोसे लेने। तो मैं समोसे खाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कौन से समोसे ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, बहुत ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये ट्रैक्टर जा रहा है हमारे आगे। जब ट्रैक्टर में सॉन्ग चलते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, दिल करता है ट्रैक्टर में बंदा बैठ जाए। जब मैं गांव जाती हूँ ना तो ट्रैक्टर में ज़रूर बैठती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए बादल बहुत घने होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी ना अल्लाह करेगा कि बारिश हो जाएगी। तो अभी मैं पहुँच रही हूँ समोसे वाले के पास, जिसके समोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मेरा दिल करता है कि हमेशा इसी के समोसे मिलूं। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी का शीशा ऊपर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम लोगों के सामने बैठ के समोसे लें या समोसे खाएं, क्योंकि ये छोटा शहर है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं सेफ्टी में बैठ गई हूँ, अब यहाँ से कोई देख नहीं सकता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो समोसे वाला जिसके समोसे मेरे फेवरेट हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने समोसे ले लिए हैं, पार्सल करा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। मैंने तो मिरर ऊपर कर लिया है लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे समोसे खाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जेंट्स मतलब बैठे हैं ना। तो ये देखिए मैंने पापड़ लिया हुआ है, स्ट्रीट पापड़, बहुत ही ज़रा अच्छा। तो अभी मैं इसको खाऊं, खाने के बाद फिर आपसे बात होगी। अभी मैं जेस कैश के शॉप पे आई हुई हूँ क्योंकि मुझे पैसे रखवाने थे अपने अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ से मैं समोसे और पकोड़े लूँगी क्योंकि ये भी मेरे फेवरेट हैं, समोसे पकोड़े। तो यहाँ से मैं ये ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा शहर है, मेरा सिटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मोबाइल्स की अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ हमारे शहर में मिल जाती है। कहने को तो लोग कहते हैं कि बहुत छोटा शहर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत प्यारा शहर है क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज़ मिल जाती है ना, जो भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, सब मिल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पकोड़े, ये रहे समोसे, ये मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं इनको खाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जूस का दुकान, यहाँ पे फ्रेश जूस मिलता है, बिस्मिल्लाह फ्रेश जूस का नाम है। और जगह पे रुक गई हूँ, यहाँ पे मैं चिकन रोल मैंने ऑर्डर किए हैं तो वो मैं चिकन रोल लूँगी। आज मज़े ही मज़े हो गए, पहले मैंने पापड़ लिया अपना फेवरेट, फिर मैंने समोसे लिए, फिर मैंने पकौड़े लिए, तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं चिकन रोल ऑर्डर कर रही हूँ, तो चिकन रोल मैं लूँगी, फिर चिकन रोल भी मुझे खाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, भाईजान यहाँ पे खड़े हैं, वरना ये अगर हट जाते तो मैं आपको दिखाती कि कौन सी शॉप है जहाँ से मैं रोल ले रही हूँ। ये रहा माशाल्लाह कैफे, तो यहाँ से मैं चिकन रोल ले रही हूँ। तो रुकिए मैं कैमरा को जूम करके आपको दिखाऊंगी। वाओ, ये रहे रोल मेरे तैयार हो रहे हैं, आई एम सो हंग्री। रोल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे मुंह में पानी आ रहा है समोसे देख देख के, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ समोसे खाने। जी तो व्यूअर्स, अभी मैंने मैंगो जूस ऑर्डर किया था, तो अभी मैं मैंगो जूस पी रही हूँ।
जूस मैंगो का, तो अभी मैं जूस पी रही हूँ। मज़ा आ रहा है। फ्रेश टमाटर दिख गए हैं, तो अभी मैं टोमेटोज लूँगी और आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारे टमाटोज मैंने लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे बिल्कुल फ्रेश देना। ये देखिए फ्रेश टमाटर मैंने ले लिए हैं, इसे मैं टमाटर ले रही हूँ। फ्रेश फ्रेश टमाटर है ना, तो मैंने कहा कि घर के लिए ले लेते जी। तो फ्रेंड्स, अम्मी जान ने बोला कि अभी हम टमाटर ले लेते हैं। मैं तो 1 kg लिया था। अम्मी जान इसको पैसे दे दें। ये देखिए हमने 2 kg टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश। ये रहे 2 टमाटर, आई मीन 2 kg टमाटर, क्योंकि फ्रेश मिल रहे थे ना और अच्छे थे, बिल्कुल मतलब फ्रेश थे, रेड कलर के टोमेटोज थे। वरना बाजार से तो भाई और अब्बू लेके आते हैं, लेकिन अच्छे नहीं लेके आते हैं, बिल्कुल मतलब कच्चे कच्चे होते हैं, येलोइश कलर के। लेकिन ये बिल्कुल रेड कलर के टोमेटो, जैसा मैंने दुपट्टा पहना हुआ है ऐसे ही रेड रेड। अभी भाई आ रहा है, चिकन रोल भाई ने ले लिए हैं, तो मिल गए हैं हमारे रोल, चिकन रोल माशाल्लाह से। गैस भरवानी है हमें, तो मैं सिलेंडर में गैस भरवा लूँ, क्योंकि अभी मैं अपने साथ ही लेके आई थी, क्योंकि घर में हमारे तो 2 सिलेंडर है माशाल्लाह से, लेकिन एक की जब मतलब गैस ख़त्म हो जाती है ना, तो दूसरा हम गैस ना भरवा देते हैं, क्योंकि घर में फिर कभी भाई हैं या पापा जान होते हैं या नहीं होती, तो फिर हमें लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गैस भराएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं इस सिलेंडर में गैस फिल करवा दें। ये रहे मेरे 2 kg टमाटर जो मैंने लिए थे, फ्रेश टमाटर। ये रहे मेरे समोसे और पकोड़े, मैंने तो अपने हिस्से के खा लिए हैं, लेकिन अब ये घर वालों के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सब्जी मार्केट, यहाँ से सब्जियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेश सब्जी यहाँ से मिलती है। देखिए बर्फ, हर चीज़ मतलब ना यहाँ से मिल जाती है। मैं पहुंच रही हूं जहां से सिलेंडर में गैस फिल करवाएंगे। तो अभी मैं सब्जी मार्केट में ही हूं, यहां से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे है वो गैस वाली शॉप जहां से हम इसमें ना वो गैस फिल करवाएंगे। हर किस्म की सब्जी माशाल्लाह से फ्रेश सब्जी यहां से मिल जाती है। ये है हमारा छोटा सा शहर, प्यारा सा शहर। जी तो अभी हम पहुंच चुके हैं शॉप पे, चांद जा रही है। जी तो फ्रेंड्स, अभी भाई चांद लेके जा रहा है सिलेंडर। अम्मी जान और भाई जा रहे हैं गैस भरवाने के लिए। जी तो व्यूवर्स, अभी हमें भाई जान लेके आए हैं पार्क में, क्योंकि बस भाई ने कहा कि अभी थोड़ी देर ना पार्क में बैठ जाते हैं आराम से सुकून से, फिर चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पार्क। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो पार्क जहाँ पे मैं आई हुई हूँ माशाल्लाह से। देखें कितना प्यारा पार्क है ना, बैठने के लिए यही मतलब हमारे सिटी में ना सुकून की जगह है, जहाँ पे बंदा बैठ सकता है आराम से। देखिए अभी हम आ गए हैं पार्क में, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सुकून लेंगे, रेस्ट लेंगे। घर पे तो इतना मज़ा नहीं होता ना, तो बंदा बाहर आ गया है, तो अभी हम सुकून से यहाँ पे बैठ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ब्रदर, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हाल है, तबीयत सही है। जैसे कि ये मेरी प्यारी सिस्टर है, इसका बहुत इंटरेस्ट है कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ। इसने बहुत अच्छे से व्लॉग्स बनाती है, ये दिन रात मेहनत करती है। गाइस ये देखो, ये पेशे के लिहाज से, स्टडीज के लिहाज से एक डॉक्टर भी है, फार्मासिस्ट, और इसका बहुत इंटरेस्ट है, ये आपके लिए बहुत मेहनत करती है। गाइस प्लीज़ इसका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी तो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई और ये इसका बेबी। लोग तो यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि ये इसका बेबी है, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा भाई खुद छोटा है। देख सकते हैं आप कितना छोटा है, मतलब कम उम्र में ही हमने इसकी शादी कर दी थी। तो ये प्यारा सा बच्चा ये मेरे भाई का है। तो अभी हम आए हैं पार्क में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत मजा आ रहा है, सुकून है यहाँ पे। ये देखें मेरा भाई। गाइस मेरे सिस्टर का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसने भी स्टार्ट किया है अभी, और उससे जो भी गलतियाँ और मिस्टेक्स हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको बताएं कि ये वो अपनी गलतियाँ अच्छी करें, आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी इंशाल्लाह। गाइस आप हमेशा में देखते रहें। आपको हमारे व्लॉग में कोई भी गलती नज़र आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमें बताएंगे तो हम वो गलतियाँ दुरुस्त करने की ना कोशिश करेंगे। क्योंकि जाहिर बात है, हम अभी हमने ना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो अभी हम न्यू हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब हो सकता है कि अच्छे व्लॉगिंग हम नहीं कर पा रहे हों, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं, और कौन सी चीज़ आप हमसे देखना चाहते हैं, कौन सा व्लॉग आप देखना चाहते हैं, तो ये बताना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अभी हम यहाँ पे पार्क में ही बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सीन है, तो यहाँ पे सुकून मिल रहा था मुझे, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितने मतलब ना प्यारे प्यारे अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी काफ़ी चीज़ें ना यहाँ पे बनी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे अभी बैठ जाती हूँ। तो गाइस अभी मेरा छोटा सा भतीजा भी आ रहा है। हले आस्ता लिया, आस्ता लिया, आस्ता आस्ता लिया लिया। देखिए ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा, माय बेबी। तो अभी ये मेरे साथ यहाँ पे आके बैठ गया है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, अम्मी जान से आपका, अम्मी जान का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ मैं आपसे। तो ये रहा मेरा मुन्ना बच्चा, अपी कलो गुड्डा मुके अपी कलो। देखिए माशाल्लाह से मुझे किसी कर रहा है, कितना प्यार करता है ना मेरा बच्चा मुझसे, मैं भी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, तो ये बोल रहा है कि चलो मम्मी के पास चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम मम्मी के पास चलते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये है मेरी अम्मी जान, मेरी जन्नत। तो देखिए मेरी अम्मी जान मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मैं भी अपनी अम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मुझे, क्योंकि अम्मी जान तो जन्नत होती है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्मी जान हाय बोल दें। ये है मेरी प्यारी अम्मी जान, तो जो इनका नाम है वो है मुनव्वर परवीन, और माशाल्लाह से बाय प्रोफेशन ये एडवोकेट है, हाई कोर्ट की एडवोकेट है माशाल्लाह से मेरी अम्मी जान। अम्मी जान ने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की है, बचपन से हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे से हमारी परवरिश की है। तो ये रही मेरी पूरी जन्नत, जो कि आपको एक ही तस्वीर में नज़र आ रही है। यूँ समझें कि मैं इनके बगैर कुछ नहीं हूँ, हाँ जो भी हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि यही मेरी अम्मी जान है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। ये देखिए अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना तो ये मेरी पूरी पूरी हेल्प करती हैं कि नहीं बच्चा ये गलती हो गई, ये गलती होगी, आप ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मतलब हर चीज़ में ना ये मेरे पीछे रहती हैं, बिल्कुल स्टैंड लेती हैं। ये देखिए कितना प्यार कर रही है, क्योंकि बस अम्मी जान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं ना, क्योंकि सबसे पहली बेटी मैं ही हूँ इनकी, तो बेटा भी मैं हूँ इनका, बेटी भी मैं हूँ। मैं अपनी अम्मी जान को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी अम्मी जान से। बस आप दुआ करें कि मेरी अम्मी जान हमेशा मेरे साथ ऐसे रहे, हम दोनों दोस्तें भी हैं आपस में, ये मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड है। तो देख रहे होंगे आपको वीडियो से अंदाज़ा लग रहा होगा, तो आप मेरी अम्मी से मिल चुके हैं। तो ये रही मेरी अम्मी जान, तो अभी भी हम पार्क में ही बैठे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक हम यहाँ पे बैठ के कुछ रोल वगैरह खा लें जो कि मैंने मंगवाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।